चंद्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के आदेश का अमल नहीं कर रहे दुर्गापुर के उप क्षेत्रीय प्रबंधक एवं कार्मिक अधिकारी, ऐसे ही एक मामले को भारतीय मजदूर संघ ने किया उजागर। बेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के दुर्गापुर उप क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन व सिलेक्शन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आज दुर्गापुर उप क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जनशक्ति बजट के कामगारों के प्रमोशन और सिलेक्शन हेतु जगह रिक्त थी, परंतु दुर्गापुर प्रबंधन द्वारा 2023 और 2024 के कलर ब्लाइंड के नाम पर नियुक्ति नहीं की। इस संदर्भ में संगठन द्वारा प्रबंधन से चर्चा कर रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की थी। उस समय प्रबंधन ने रिक्त पदों को जल्द भरने का आश्वासन दिया था, बावजूद आश्वासन की पूर्वता न होते दे इस संदर्भ में संगठन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय महाप्रबंधन से चर्चा की। तब उन्होंने बताया कि रिक्त जगह हम नियमानुसार खाली नहीं रख सकते, यह जगह उप क्षेत्रीय प्रबंधन से भरी जाएगी, परंतु दुर्गापुर प्रबंधन द्वारा 31 मार्च 2024 तक रिक्त पद नहीं भरा गया, जिसके चलते कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। इस वजह से भारतीय मजदूर संघ ने दुर्गापुर उप क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के सामने मौन धरना प्रदर्शन शुरू किया और जब तक मांगों की पूर्तता नहीं होती आंदोलन शुरू रहने की बात कही गई। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ दुर्गापुर उप क्षेत्र के अध्यक्ष अंकित धानोरिया, सचिव प्रमोद लेडांगे, वैकल्पिक कल्याण समिति सदस्य विल्सन पुल्लरवार, भामस वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर के उपाध्यक्ष अरुण गिरगुड़े, वर्धा वैली अध्यक्ष नामदेव देशमुख आदि उपस्थित थे। इस आंदोलन को विभिन्न कामगार संगठनों ने भेंट दी। इस संदर्भ में दुर्गापुर के उप क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु वे कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। तो वहीं दुर्गापुर उप क्षेत्र के कार्मिक प्रबंधन से संपर्क करने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा किए बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं देने की बात कही। आज के मौन धारण जो हमारे दुर्गापुर के अध्यक्ष सेक्रेटरी वेलफेयर विल्सन जी यहाँ पे बैठे हैं, इनका जो मुद्दा है कलर ब्रांड वाले को जो वैकेंसी छोड़े हैं, उनको अगर प्रमोशन नहीं होता है तो बाकी जो लोग हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि उनके लिए जगह छोड़े। इसमें हमने जीएम साहब से जब वार्तालाप किया तो जीएम साहब ने सबेरा दुर्गापुर उप क्षेत्र को बोल दिया था कि इनका प्रमोशन किया जाए, लेकिन ऐसा कोई हमारे सिर्फ वार्तालाप हुआ उनके साथ और यहाँ के प्रबंधक को बोल भी दिया कि प्रमोशन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जीओ ऑफिस में इनकी नोटशीट भेजते जा रहे और वहाँ से भेजने के बाद इधर आने के बाद भी इधर से जीओ ऑफिस भेजते जा रहे, ऐसे ही नोटशीट को घुमाते जा रहे और हमारे कामगार का जो नुकसान हो रहा, ना कलर ब्रांड वाले को प्रमोशन हो रहा ना हमारे कामगार को प्रमोशन हो रहा, तो कामगार क्यों पीसा जा रहा है। हमारा एक ही डिमांड है कि अगर कलर ब्रांड वाले को जो मुद्दा है कलर ब्रांड वाले को दीजिए, अगर उनका प्रमोशन नहीं होता है तो उसके पीछे में जो लोग हैं उनका प्रमोशन किया जाए कि ताकि हमारा कामगार का नुकसान न हो। 2023 में जो कलर ब्रांड वाले के लिए जो जगह छोड़ी थी, वो जगह पांच जगह जो छोड़ी थी उन्होंने क्यों नहीं भरे, ऐसे जो कामगार है हमारे जो प्रबंधक है जो प्रबंधक ने छोड़ी है वो प्रबंधक के ऊपर उसकी कार्रवाई हो। 2024 में और मेन पावर बजट में कलर ब्रांड के लिए जगह जो आई थी वो जगह अभी भी नहीं भरी है। भरने के लिए हमने बार बार वो वहाँ से ऊपर से सीजीएम साहब से बोलने के बाद भी यहाँ के प्रबंधक ने वो जगह नहीं भरी। हम लोग को हमारे यूनियन को हमारे संगठन को आश्वासन देते जा रहे कि आज लेटर निकालेंगे कल लेटर निकालेंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रबंधक कोई ध्यान नहीं दे रहा। आगे में अगर प्रबंधक अगर ध्यान नहीं देते तो हम एरिया लेवल में इस ये आंदोलन को तीव्र करेंगे और इसको आंदोलन को एक अलग ही एक थोड़ा वोट दे के उसको बढ़ाएंगे।